We are going to start a new topic that is cyclotron. क्या है cyclotron? Basically, cyclotron एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है which is used to accelerate charge particle. यानी कोई चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, मीन्स उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, या यू बोले उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड द मशीन इज साइक्लोट्रॉन. ठीक है ना? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जिसका यूज किया जाता है कोई आवेशित कण है उसकी गति को बढ़ाने के लिए. क्लियर है? तो गति कैसे बढ़ाया, हाउ टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी. क्या हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएं और चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं? नॉट पॉसिबल, विल नॉट वर्क. क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं? कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं. देखो, ये माना सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर मैंने चार्ज पार्टिकल लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है. तो चार्ज पार्टिकल व्हेन इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, की डायरेक्शन में जब ये चार्ज पार्टिकल चलेगा सो इसकी स्पीड इंक्रीज होनी है ना, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा, इसमें फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई. तो इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी. तो फॉर्मूला कहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ा दूं, सपोज ये डिस्टेंस अभी डी है, इस डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊं तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जानी है, बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी. लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू V बाई टी. जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. मीन्स अगर आपने मशीन का साइज बड़ा कर दिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स बहुत दूर कर दिए, तो समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा पार्टिकल तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो इट विल नॉट वर्क. लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी स्पीड को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है. लेकिन अगर V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखें, जितने टाइम के लिए टी बढ़ेगा, यानी जितना टाइम के लिए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जानी है. लेकिन टाइम को कैसे बढ़ाए, हाउ टू इंक्रीज दिस टाइम, मीन्स कुछ ऐसा करना है जिससे चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने से ही डिस्टेंस में घूमता रहे. डी चेंज नहीं करें हम, बस इसी डिस्टेंस में चार्ज पार्टिकल अंदर घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, सो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कंटिन्यूअसली उसमें ए फोर्स उसमें लगना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल. लेकिन हमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखना, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड फील्ड का यूज करेंगे. मींस ई इज परपेंडिकुलर टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, सर्कुलेट करेगा, सर्कल सर्कल में घुमाएगा, सर्कल में घुमाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को बढ़ाती है. मींस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बाय द क्रॉस्ड फील्ड्स, वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल. सो दिस इज हाउ द साइक्लोट्रॉन वर्क्स. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट, कैसे इसका हम कंस्ट्रक्शन करें. तो हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इसके इसमें हमने दो मेटेलिक हॉलो सेमी सर्कुलर कंडक्टर रखे हैं. क्या कहा, दो धातु के बने हुए दो अर्ध गोले ये रखे हैं, खोखले, अंदर को कुछ नहीं है भाई साहब, इसमें खोखले गोले हमने रखे हैं, आपको देखने होंगे D1 D की शेप में, तो इसको नाम दे दिया हमने D, इसको D1, इसको नाम दे दिया हमने D2. These are the two D's. Okay? Yeah. यहां पर मैं बीच में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर यहां पर यहां पर, चलो मैं इसको भी रेज कर देता हूं, ठीक है ना. तो चार्ज पार्टिकल को मैं यहां पर एक सोर्स होता है मेरा, यहां पर मैं एक सोर्स है एस, ये सोर्स से मेरे चार्ज पार्टिकल निकलेगा, यहां पर मैंने सोर्स रख दिया,
और ये दोनों डीज को मैं एक वेरी हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देता हूँ, दैट इज एसी, एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देता हूँ, बहुत हाई वोल्टेज है, एंड वी कॉल इट ऑसिलेटर। तो ऑसिलेट करता है फ्रीक्वेंसी को, ऑसिलेट 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 करेगा, इससे पोलैरिटी चेंज करता रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस से चेंज करता रहेगा। आपको पता है एसी आपकी क्या करता है, एसी क्या होता है, प्लस माइनस होते रहता है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट इसकी होती रहेगी, ये पोल मीन्स ये जो पोल्स है चेंज होते रहेंगे इसलिए, है ना, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। तो ये दोनों डीज को मैंने एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करता हूं मैं, ये चार्ज पार्टिकल, यहां से चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकलेगा, यहां से निकलेगा, माना किसी मोमेंट में किसी क्षण ये सिरा पॉजिटिव है, ये सिरा नेगेटिव है, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ये मूव करेगा कहां को, अंदर जाएगा, ये होलो स्फीयर के अंदर जाएगा। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करा, अब एक चीज और बता रहा हूं मैं, अभी मूव करने से पहले एक चीज और समझा देता हूं। जैसे ही आपने एसी से कनेक्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी फ्रॉम ई टू माइनस प्लस टू माइनस, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक हॉर्स्यू मैग्नेट लगा देता हूं ऐसे, इस टाइप से ये हॉर्स्यू मैग्नेट लगा दिया, जिसमें ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मैग्नेटिक लाइन्स आएंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसमें जनरेट हो जाएगी इस हिसाब से, ठीक है, ये आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, क्रॉस्ड फील्ड जनरेट हो चुकी है। अब क्या होगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल ये एसी से कनेक्ट किया, अब चार्ज पार्टिकल में से चार्ज निकला पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां हो जाएगा, अब डी टू आपका नेगेटिव है, डी वन आपका पॉजिटिव है, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा, मींस डी टू की ओर जाएगा। अब ये डी टू की ओर जाएगा, ये स्फीयर होलो है, तो ये यहां से एक्सेलरेट करेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये इसकी स्पीड बढ़ गई, ये पहुंच गया आपका चार्ज पार्टिकल। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल होलो स्फीयर के अंदर जाएगा, तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो होती है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम करना कर दिया बंद। अब यहां पर क्या काम करेगा, हमारी जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज एक दूसरे के देखो परपेंडिकुलर है, चार्ज ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, तो परपेंडिकुलर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को सर्कल में घुमाएगी, ये घुमाया सर्कल में, घुमा दिया सर्कल में। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड केवल डायरेक्शन चेंज करती है, उसकी स्पीड तो वही बनी रहेगी जो स्पीड यहां से, जिस स्पीड जो स्पीड उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मिली है, फोर्स लगा एक स्पीड मिली, तो ये अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड ने वर्क करा, तो एक सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया, चार्ज आपका यहां पर पहुंच गया, जैसे ही चार्ज आपका यहां पहुंचा, तुरंत ये आपका जो ऑसिलेटर है इसका हम फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये सिरा आपका नेगेटिव बन जाएगा, ये सिरा पॉजिटिव बन जाएगा, हम स्विच कर सकते हैं इसको, दिस इज इन अवर हैंड, हम कर सकते हैं इसको, तो ये सिरा हमने तुरंत नेगेटिव कर दिया, इस सिरा पॉजिटिव कर लिया। अब जैसे ही ये टर्मिनल में नेगेटिव किया, इनसे डी वन नेगेटिव हुआ, अभी चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव है तुरंत कहां को जाएगा, डी वन को आएगा, यहां से एक स्पीड फिर बढ़ जाएगी इसकी, क्यों, एक स्पीड इसको मिली थी यहां से ई से पहले, अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, अब यहां पहुंचा तो यहां से फिर से एक्सेलरेट करेगा, फिर से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग जाएगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, फिर से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, फिर से ये सर्कल बनाएगा। अब मैं क्वेश्चन है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू, मीन्स दिस रेडियस डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, मीन्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रेडियस बढ़ेगी। अब आप देखो स्पीड बढ़ रही है, पहले स्पीड अलग थी, चार्ज पार्टिकल यहां पर उसी स्पीड से आया, अब यहां से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया तो फिर से इसकी स्पीड और बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई, तो इसका मतलब रेडियस और बढ़ जाएगा, इट मींस अब जो सर्किल, अब ये चार्ज पार्टिकल और स्पीड से यहां पर पहुंच गया, ज्यादा स्पीड से पहुंच गया, अब फिर इस वाले होलो स्फीयर के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो हो जाएगी, स्पीड वही रहेगी, और अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, अब इसको फिर से सर्कल घुमाएगी, लेकिन इस बार जो सर्कल बनेगा बड़ा बनेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ी है तो रेडियस भी बढ़ जाएगी, एंड दिस सर्कल इज गोइंग टू बी समवट बिगर लाइक दिस, रेडियस बढ़ जाएगी।
ये मूड। अब जैसे ही यहां पर पहुंचे चार्ज पार्टिकल आउट आएगा यहां से, तुरंत हम फिर से ऑसिलेटर को स्विच करेंगे एंड दिस टर्मिनल इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। यहां से फिर से इसकी स्पीड इंक्रीज होनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो गई, फिर से इसकी स्पीड इंक्रीज होगी और बढ़ गई स्पीड, ये पहुंच गया यहां चार्ज पार्टिकल। यहां से फिर से ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है तो इसका मतलब सर्कल फिर से मैग्नेटिक फील्ड वर्क करके अंदर फिर से बड़ा सर्कल बन गया। फिर से इधर आएगा ज्यादा स्पीड से, इट मींस दिस इज गोइंग टू बी अ स्पाइनल पाथ। ये चार्ज आपका मूव करता है इस प्रकार से, स्पाइनल पाथ हो जाएगा इसका, मूव करेगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही चार्ज पार्टिकल आपका यहां पहुंच गया, यहां पर हमने डिफ्लेक्टर लगाया है। ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को यहां से एक डिफ्लेक्टर हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा और हमने यहां से एक एग्जिट पाथ लगाया है। हम इस चार्ज पार्टिकल को यहां से अब एग्जिट आउट ले सकते हैं। अब जो आपका चार्ज पार्टिकल आउट होने वाला है वर्सेस स्पीड इज गोइंग टू वेरी 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 मच हायर, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होने वाली है। क्लियर है ना? सो दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल बाय अ मशीन नोन एज साइक्लोट्रॉन। क्लियर है? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बोथ आई हैव टोल्ड यू, दोनों चीज बताई जा चुकी है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू सम लाइक हाउ द स्पीड विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी कितनी इसकी पड़ जाएगी, सो सम थ्योरेटिकल पोर्शंस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, stay tuned. Keep watching. Thank you.